क्या गाइस आप लैपटॉप सर्च कर रहे हैं 30,000 के अंदर? अगर कर रहे हैं तो गाइस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 30,000 के अंदर बेस्ट टॉप लैपटॉप। और गाइस इतना ही नहीं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा सुटेबल रहेगा। तो गाइस पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस नंबर 6 पे आता है Asus VivoBook 14, जिसकी की 1 TB हार्ड डिस्क है और 4 GB रैम है। और गाइस ये बेसिक वर्क्स के लिए बहुत ही कंपैटिबल रहेगा। अगर आपको कोई ग्राफिकल काम नहीं है, जैसे कि फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, अगर ऐसा कोई काम नहीं है, आप बेसिक वर्क करते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये वाला लैपटॉप रहेगा। और गाइस ये 25,000 के अंदर आ जाता है। आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो है 24,990 rupees। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है एसर का एस्पायर 3, जो कि थिन एंड लाइट लैपटॉप है। और गाइस इसकी हार्ड डिस्क देखेंगे तो आप 1 TB है, रैम इसकी 4 GB है। और गाइस जो इसका प्रोसेसर है वो AMD Ryzen 3 है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। वैसे एक बात बता दूं गाइस, जितने भी आपको मैं लैपटॉप्स बता रहा हूँ उनका बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से बाय भी कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट लैपटॉप आ जाता है Lenovo का IdeaPad S145। ये एक बहुत ही डिसेंट लैपटॉप है, AMD A6 के साथ आता है। और गाइस ये भी थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 1 TB हार्ड डिस्क आ जाती है एंड 4 GB की रैम आ जाती है। गाइस ये लैपटॉप आपको मिल जाता है 26,190 में। और गाइस अगर आप SBI कार्ड का यूज करते हो तो सारे लैपटॉप्स पर 10% का ऑफ आपको और भी मिल जाता है। गाइस अगर आपको HP के लैपटॉप्स पसंद है तो नेक्स्ट लैपटॉप आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, जिसका की नाम है HP 245G7 लैपटॉप। गाइस ये AMD Ryzen 3 के साथ आ जाता है, 4 GB रैम आपको इसमें मिल जाती है एंड 1 TB की हार्ड डिस्क आपको इसके अंदर मिल जाती है। और गाइस साथ ही साथ आपको इसमें AMD Radeon 6 का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात। गाइस नेक्स्ट लैपटॉप भी HP का आ जाता है, जिसका के नाम है HP In15S लैपटॉप। और गाइस ये भी AMD Ryzen 3 के साथ आ जाता है, 4 GB रैम आपको मिल जाती है एंड 512 यानी कि 512 GB की आपको इसके अंदर SSD मिल जाती है। गाइस जनरली ये लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक रहता है और ये बहुत ही कम अनअवेलेबल हो पाता है, क्योंकि गाइस ये बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है HP की तरफ से, जो कि हमें 30,000 के अंदर मिल जाता है। सो मेक श्योर गाइस जैसे ही ये स्टॉक में आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे बाय कर सकते हैं। और ये अगर आपको मिलता है तो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट डील आपके लिए हो सकती है। सो गाइस जो हमारे नंबर 1 हिट लिस्ट पे था वो है Asus का VivoBook 15। और गाइस ये इंटेल के प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि है i3 7th generation। गाइस आपको इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है एंड 4 GB की रैम मिल जाती है। और गाइस ये नंबर 1 हिट लिस्ट पे इसलिए रखा गया क्योंकि गाइस इसकी 15.6 की HD स्क्रीन है और ये स्टॉक में भी रहता है, तो इजीली आप इसको अवेलेबल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। गाइस अगर 50,000 के अंदर आप बेस्ट लैपटॉप सर्च कर रहे हैं कि कौन सा हो सकता है, तो गाइस मैंने उसमें भी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस वीडियो कैसे लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू गाइस, बाय बाय।